उत्तर प्रदेश के हरदोई में दीपावली के त्योहार को लेकर मिलावटखोरों की सक्रियता बढ़ गई है। जिले के अधिकांश हिस्सों में मिलावटखोरों का खेल जारी है। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों के साथ दूध भी सेहत बिगाड़ सकता है। हालांकि खाद्य विभाग की छापेमारी भी जारी है, लेकिन वह मैच खाना पूर्ति तक हो रही है, बल्कि बड़ी मछलियों पर कार्यवाही में विभाग दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहा। दीपावली पर खाद्य वस्तुओं के अलावा लड्डू समेत अन्य मिठाई की मांग बढ़ जाती है। वहीं खाद्य वस्तुओं में सरसों तेल, घी, बेसन, आटा, मैदा, मसाला में मिलावट का धंधा भी जोरों पर चल पड़ता है। दीपावली को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण स्तर पर मिलावट का यह धंधा ग्राहकों को चूना लगा रहा है, साथ ही उनकी सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले की अधिकतर मिठाई दुकानों पर मिलावटी मिठाइयों में पेड़ा, सोन पापड़ी, डोडा बर्फी, पेड़ा मिल्क केक, कलाकंद खोआ बर्फी, बेसन लड्डू के और खुलेआम बिक्री होती है। यहाँ बिक्री होने वाले लड्डू में सिंथेटिक बूंदियों का प्रयोग किया जाता है। कम कीमत पर बाहर से मंगाई गई मिलावटी मिठाइयों का धंधा वर्षों से चल रहा है। अधिकतर मिठाई प्रतिष्ठानों पर मूल्य तालिका नहीं है। मिलावटी मिठाइयों के फैलते धंधे पर रोक नहीं लगने से कारोबारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हालांकि खाद्य विभाग ने पाली संडीला शहर में कई स्थानों पर छापेमारी करके भारी मिलावटी सामग्री जैसे खोया, मिठाई आदि बरामद की और इस अभियान में 25 नमूने लिए गए, जबकि 70,000 की सामग्री सीज करने की कार्यवाही की गई है। लेकिन यह मैच छोटे कारोबारियों पर हो रही है, जबकि बड़ों पर अभी तक विभाग मौन है। संडीला शाहबाद नकली दूध और मिठाइयों का गढ़ माना जाता है। संडीला में तो असिस्टेंट फूड कमिश्नर ने पिछले वर्ष 3 बार छापेमारी करके हजारों लीटर सिंथेटिक दूध व हजारों बोरी पाउडर भी बरामद किया था, लेकिन इस बार अभी तक विभाग कोई ऐसे कारोबार पर बड़ी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, जिससे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। खाद्य सुरक्षा की टीम को अलर्ट एक्टिव कर दिया गया है कि क्योंकि ऐसे समय पर ही खाद्य सामग्रियों की ज़्यादा बिक्री होती है और मिलावट के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो लगातार वो बिल्कुल विजिल रहते हुए जो खाद्य सामग्री है उनकी लगातार चेकिंग कर रहे हैं और ये ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी मिलावटखोरी जैसी घटना ना हो पाए। और जितने भी प्रवर्तन की टीमें हैं सबको अलर्ट किया गया है कि लगातार विजिल रहें और कोई छुट्टी पर नहीं जाए फिलहाल अभी, और लगातार इसको मॉनिटरिंग करते रहें। कोई भी समस्या आती है तो उसको बिल्कुल संज्ञान में लाते हुए और तत्काल कार्रवाई करें। उसको सर एक मैं जयपाल शर्मा, चेयरमैन मार्केट कमेटी करनाल, दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे हरियाणा के किसान भाइयों को, आढ़ती भाइयों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। मार्केट कमेटी करनाल के चेयरमैन जयपाल शर्मा की ओर से सभी प्रदेश वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों को एक बार फिर से चेयरमैन जयपाल शर्मा की ओर से आप सबको दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।